बालको प्रबंधन ने अपनी कल्पतरु योजना के तहत ग्राम केसलपुर में रतन ज्योत के पौधे लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। योजना के तहत 62,500 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे गांव के 36 परिवारों को लाभ मिलेगा। केसलपुर में कल्पतरु योजना का उद्घाटन कोरबा के वन मंडलाधिकारी श्री अरुण पांडे ने किया। उन्होंने बालको प्रबंधन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि रतन ज्योत की खेती से भविष्य में ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। इस मौके पर बालको के मुख्य वित्त अधिकारी श्री वी रामनाथन, वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल, मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार और वेदांत समूह के सामुदायिक विकास उपाध्यक्ष सुश्री रूबी थापर के अलावा अनेक बालको अधिकारी मौजूद थे। ग्राम केसलपुर में बालको प्रबंधन की कल्पतरु योजना की शुरुआत कोरबा के वनमंडला अधिकारी श्री अरुण पांडे ने रतन ज्योत का पौधा लगाकर की। बालको अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। उल्लेखनीय है कि प्रबंधन ने कटघोरा व कोरबा ब्लॉक कवर्धा एवं मैनपाट की बागसाइट खदानों और बालको के गोद लिए गाँव बेला व दुंद्रो में रतन ज्योत के 10 लाख पौधे रोपने की योजना बनाई है। वनमंडला अधिकारी श्री पांडे ने बालको प्रबंधन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि रतन ज्योत की खेतों से ग्रामीणों को भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। श्री पांडे ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बालको छत्तीसगढ़ की पहली निजी कंपनी है जिसने बड़े पैमाने पर रतन ज्योत पौधारोपण का काम हाथ में लिया है। ज्यादा रतन ज्योत के पौधों का रोपण पूरे जिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये अवसर महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक उनका सामाजिक दायित्व है औद्योगिक घरानों का, उस सामाजिक दायित्व को बहुत बखूबी निभाते हुए बालको ने 7 लाख पौधे कोरबा जिले में लगाने का एक निर्णय लिया है, जिसमें से 3.5 लाख कोरबा वन मंडल में और 3.5 लाख कटघोरा वन मंडल में लगाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक सुओ मोटो बालको के द्वारा ये जो पहल है ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी जिला कार्यालय में, तो बाकी यहाँ के जो औद्योगिक घराने थे NTPC और SECL, उनके जो टारगेट्स थे उससे बहुत नीचे वो प्लांटेशन करा पा रहे हैं। और ये बात हम लोगों ने रायपुर में जब हमारी समीक्षा बैठक हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री के भी ध्यान में लाया था और वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे कि इस तरीके का काम बालकों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने कोशिश की है क्रेडा के माध्यम से इस वर्ष के अंत तक बायोडीजल का एक छोटा प्लांट पर बैच 100 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर संभवतः लग जाएगा। उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए राशि की व्यवस्था भी हो गई है और साथ ही आप जो गांववासी हैं जिस क्षेत्र में लगाया जा रहा है निश्चित तौर से इसका लाभ आप ही को मिलेगा और प्रति परिवार 100 वृक्ष 200 वृक्ष पौधे आपको बांट दिए जाएंगे ताकि उसका बीज इकट्ठा करके आगे आप उसको बेच सकें और उसको बायोडीजल के रूप में कन्वर्ट करके अपना उपयोग भी कर सकें। बालको के सामुदायिक विकास विभाग के सह प्रबंधक श्री आशीष रंजन ने ग्रामवासियों को बालको प्रबंधन की ओर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया। रतन ज्योत पौधारोपण का कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, इसका नाम हम लोगों ने कल्पतरु योजना दिया है, जिसके अंतर्गत यहाँ आसपास के क्षेत्रों में लगभग 10 लाख रतन ज्योत के पौधे लगाए जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है आने वाले समय में बालको क्षेत्र में ही वन विभाग के द्वारा यहाँ पर डीजल निकालने का जो है सो संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसकी शायद शुरुआत भी हो गई है और बहुत जल्द यहाँ पे आ जाए। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्रों में गाँव में विशेष रूप से जो बालकों के अपने गोद लिए हुए गाँव हैं वहाँ पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को गहन कार्यक्रम के रूप में लिया है। बेला, केसरपुर, दोनरो, इस सब जगहों पे वृहद रूप से जो है सो हम लोग रतन ज्योत के प्लांटेशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। रतन ज्योत के प्लांटेशन के साथ साथ बालको अपने औद्योगिक विकास के साथ साथ सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को भी बखूबी निभा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आसपास के गांव में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा आई कैंप में भी पिछले वर्ष जो है सो हम लोगों ने जिले का सबसे बड़ा आई कैंप यहाँ पे आयोजित किया था। रतन ज्योत के मामले में भी हम लोग अग्रणी हो चुके हैं और शायद हमें जहाँ तक हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है इसके अनुसार पूरे राज्य में बालकों के द्वारा सबसे बड़ा ये कार्यक्रम के रूप में लिया गया है।